अलाली अमल तदा शेरे खुदा फरमांदे ने कब्रां विच वी आवाज आई मौला ली जदों दफन करके चले गए मैं थोड़ी देर दे बाद फरिश्तियां ने आके बड़ा डर टाइम थे आन ले आओ कब्र जे आवाज आई मौला ली जदों दिन चार दिन गुजर गए साडियां अखियां बह के साडे रुखसार ते आ गईयां थोड़े दिन गुजरे बाल जिस्म तो चढ़ना शुरू हो गए कब्रां जी आवाज आई मौला अली जिस्म दे नालों गोश्त जुदा होना शुरू हो गया गोश्त तो मांस उतरना शुरू हो गया दुनिया च एक जोड़ी उखड़ जांदा सी सारी रात हाय करके गुजार दे रहे हैं कब्र च सारे जोड़ उखड़ गए ने हाल पूछण वाला ही कोई नहीं कह लगे मौला अली ओ जड़ी गुनाह दियां कमाइयां करके कोठिया बना के आए हो उन्हां कोठियां जो लादा पियां वसदियां नहीं असी कब्रां जो ना कोठियां दा हिसाब पे देने आओ मौला अली फरमान लगे कमरा वाले हो आओ मैं तुहाडे पिछले दा हाल सुनाओ देवां जमी कदर हजरात रमजानुल मुबारक दियां मुकद्दस रातां ने उस रबी कायनात का सदा शुक्र कि उस रबी कायनात ने सानू जिंदगी च एक मरतबा फिर रमजान उल मुबारक वेखना नसीब फरमाया। नबी करीम अलैहि सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत नू कब्र हो जाए कि रमजान शरीफ की है तो मेरी उम्मत तमन्ना करे कि सारा साल ही रमजान शरीफ रहे। हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि मारिफत दी अद्धियां मंजिलां सिर्फ रोजे नाल तय हो जांदियां ने। हर इबादत गुजार इबादत करे तो सवाब मिलता है, नमाजी नमाज पढ़े, हाजी हज करे, सखी सखावत करे तो सवाब मिलता है, मगर रोजादार एक ऐसा इबादत गुजारे कि सुत्ता भी होवे ते फरिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं, यानी रोजादार सो भी जावे तो वो फिर भी इबादत करता होगा। रोजा एक ऐसी इबादत है। कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर अल्लाह ने जड़ी रोजे की गर्ज़ो गायत इरशाद फरमाई, फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, फरमा तुसी मुत्तकी ते परहेजगार बन जाओ, इस वास्ते मैं रोजे फर्ज किए। छे साल का बच्चा भी रोजा रख रहे, 90 साल का बुजुर्ग भी रोजा रख रहे, असर दी नमाज वक्त जो प्यास ना लहोटा ते सिकरी जम जाए, जो पेट च गर्मी पैदा हो जाए भूख दे नाल, तो लजीज खाना बना के ठंडा शरबत बना के बच्चे नू कमरे च लै जाओ ते आखो बेटा तेनू प्यास लगी है ते ठंडा शरबत मौजूद है, भूख लगी है, लजीज खाना मौजूद है, तू खा लै पी लै। तो बच्चा कहेगा नहीं जी मेरा रोजा है। किसी बुजुर्ग नू भी बिठाओ तो वह भी कहेगा नहीं जी मेरा रोजा है। आख्या जावे कोई नहीं वेखदा, थोड़ा जा खा ले या पी ले, तो बच्चा ते बुजुर्ग इयो जवाब देवेगा नहीं जी मेरा रोजा कोई नहीं वेखदा, पर अल्लाह ते पिया वेखदा ना। आ जड़ी सोच है ना कि अल्लाह वेख रहा है, असल च रोजे का मकसूद ए सी कि इंसान रोजा इस वास्ते नहीं तोड़ता कि कोई ना वेखे, अल्लाह पिया वेखदा है। अल्लाह फरमाता 11 महीने तेनों आ ही सबक याद रवे कि गुनाह कर दे तेनों ख्याल आ जाए कोई नहीं वेखदा, अल्लाह तो प्या वेखदा है ना। यही रोजे की गर्जो गाए थे, इनों ही तकवा कहते हैं, इनों ही परहेजगारी कहते हैं कि इंसान हर वक्त ये सबक याद रवे मेरा अल्लाह प्या वेखदा है। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज के सफर से जा रहा, रस्ते च डाकुआ ने काफिला रुक रोक के लुट लिया। आ फरमाते हैं डाकुआ जो सारा सामान लुट लिया तो जिड़ियाँ खाण पीन दीजा सन ना, वो डाकू खान लग पे थे, वो डाकुआ के सरदार ने भी उन्हें पेश की कि सरदार जी तुम भी खा लो। वो डाकुआ का सरदार कह लगा नहीं मेरा रोजा है। शेख शिबली फरमाते हैं मुझे करीब जाके आख्या कि नाले डाके मारना नाले रोजा रखिए। कह लगा शिबली डाका मारना मेरा पेशा है, रोजा मैं रब ना सुलह करन ले रखे है। आप फरमाते हैं जदों असी हज करने वास्ते बैतुल्ला शरीफ पहुंचे तो मैं वेख्या डाकुआ का सरदार तवाफ काबा पिया करे, वह भी हज पिया करे। करीब जाके फरमावन लगे तू तो डाकुआ का सरदार सें, उत्थे रोजा रखिया सी, इत्थे हज भी कर रहे, डाके भी मारने,
कहन लगा शिवली मैं तेनों आख्या सी ना कि रोजा मैं रब ने सुलह करन वास्ते रखे तो रोजे ने मेरी रब ने सुलह करा दी थी। मेरी ते रब दी सुलह हो गई। हजरत शेख शिवली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने फरमानो वेख्या कि बहुत बड़े वलियां चो गुजरिया, बहुत बड़ा वली बनिया और जन्नतुल बकी विच दफन होया। तो रोजा मेरी ते तुहाडी रब ने सुलह करावन वास्ते आया। बड़ा खुश नसीब वो बंदा जिहड़ा इस रमजान शरीफ च अपने रब ने सुलह कर लवे। तो बड़ा ही बदबख्त हो इंसान है जिहड़ा रमजान शरीफ च भी अपने रब नू ना मना सके। तो नौजवानों कोशिश करिया जी कि इसे ही रमजान शरीफ च अपने रब ने सुलह कर लिया जी। यकीन करो उधरों सुलह करन दी तैयारी पूरी है, देर साढ़े वालों हो रही है। तो देर ना करिया जी, कोशिश करिया जी कि इसे ही रमजान शरीफ च अपने रुसे रब नू मना लिया जी। मैं ये पैगाम भी रमजान शरीफ के हवाले नाल देना सी, तो मैं दे चुकिया। अज दा मौजू है अजमत वालिद। तो मैं बाप की शान के हवाले नाल ही इंशाअल्लाह चंद गुजारिशां तर्ज करनी हैं, मगर चूंकि महफल का बहाना आता है, तुम नौजवान एक जगह मैं इकट्ठे मिल जाते हो इतने सारे, तो मेरा दिल करता कि मैं इसे बहाने तुहानू कोई ना कोई होर भी दो चार पैगाम दे जाया करा उनवान दे नाल नाल। तो बड़े खुशबख्त ने मलिक साहब के जिन्होंने इतना हसी इंतजाम करके इतने नौजवानों को इकट्ठा बुला के तो मैनू पैगाम देवन का अलहमदुल्ला मौका फरहम कर दिता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत उर रहमान की आयात बयनात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इन आयात चढ़ अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि दिन कायनात ऐसा आने वाला है कि हर चीज फना हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ने फरमा कुल्लु शैन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज हलाक हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि जमीन के आसमान जेरो जबर हो जाएंगे, पहाड़ इस तरह उड़नगे कि जिवें रूई हवा दे नाल उड़ जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, ऐसे जलजले आमन के जमीन अपनी हर चीज उगल के बाहर निकाल देगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अर्ज की थी अल्लाह फिर बाकी की रहेगा, कुछ तो बाकी रहेगा ना। अल्लाह ने फरमाया हाँ एक जात जड़ी बाकी रह जाएगी। तो ग्रामी कदर हजरात कुरान मजीद के अंदर बार बार अल्लाह ने उस फना का जिक्र किया जी एक दिन आने वाली है। किधरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कैफ तकफुरून बिललाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह फरमांदा तुसी किस तरह उस रब दा इनकार करोगे कि जो तुसी मुर्दा सो तुहाडा नामो निशान ही कोई नहीं सी, लम यकुन शैअ मज़कूरा, तुसी इस काबिल ही नहीं सो कि तुहाडा कोई जिक्र भी करे, तुसी है ही नहीं सो, मुर्दा सो। अल्लाह फरमाता फिर उस रब ने कई फतक फरू नबिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, फिर उन्हें तो हनु जिंदा किया। तुसी सारा दिन ते सारी जिंदगी जमीन ते टुरदे फिरदे रहे, थुम्मा युमीतुकुम, उन्हें फिर तुहानू मौत दे दी, फिर मर के कब्र दे विच जमीन ते नीचे चले गए, फिर बेनामो निशान हो गए। थुम्मा युहयीकुम, अल्लाह फरमाता उन्हें फिर तुहानू एक दिन जिंदा कर लेना। सुम्मा इलैना तुरजाउन, फरमाया फिर उसकी बारगाह में तुसा पेश हो जाना। इस आयत च अल्लाह ने दो जिंदगियां ते दो मौतां दा जिक्र फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि पहले मुर्दा सो फिर जिंदा होए, फिर मुर्दा फिर जिंदा, उसके बाद रब ने किसी मौत का जिक्र नहीं फरमाया। फरमाया फिर एक ही कि बस तुसी अपने रब की परवरदिगार की बारगाह च लौट जाना। जेड़ा भी मिट्टी के नाल बनया है, जेड़ा रुजी रूह है, उन्हें एक दिन मुर्दा भी होना है, तो उन्हें दोबारा एक बार फिर जिंदा भी होना है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाए कि असा तेन मिट्टी चो बना के मिट्टी च मिला के फिर मिट्टी चो बना लेना। कुल युहयी अल्लज़ी अनशाअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि दिन आने वाले सारे फना हो जाना है। मलिक मोहम्मद इसहाक साहब चले गए, उन्हां दी अज तीसरी बरसी, तीसरा सालाना खत्मे पाक दा इहतमाम है।
उन्हां दी औलाद ने अपने वालिद गिरामी दे खतम शरीफ वास्ते समाफल दा इहतमाम कर लिया। आ जिहड़ा जनाजा सी रोज़ पढ़ने ना किसे दा कोई ना कोई कब्रस्तान वल जा रहा है, वो जान वाला मैनू तुहानू पैगाम देंदा जा रहा है कि मैं चलिया तैयारी करके रखिया जे हुण तुहाडे चो किसे दी वारी है, अचानक पैगाम आ जाना है तो बुक्कल मार के अपने वतन वल टुरना पै जाना है। आ जिहड़ी खतम शरीफ की माफल है, आ जिहड़ा सी माफल चाहिया इस हाले सवाब की, ये माफल सानू पैगाम नहीं दे रही कि कोई ना कोई जा रहा है, सारे जाने रुकिया अज तक कोई नहीं। ए मेरी मिल्लत दे नौजवानों तैयारी करके रखिया जे किसे वेले भी बुक्कल मार के टुरना पै जाना है, पैगाम आ जाना कि चलो भाई तेरी वारी आ गई। तो जो ये पक्की बात है कि जाना ही जाना है, जाना ही जाना है और उत्थे ही पक्का रहना है, तो फिर इत्थे वास्ते नहीं उत्थे वास्ते कोई इंतजाम करके रख। असी अपने लख रुपये लगा के अपने घर का कोई फर्द कोई नौजवान अमरीका यूरोप सऊदी अरब भेजने, क्यों वो परदेश जाए उतों कमाई करके इत्थे भेजे ताकि इत्थे वाले जिंदगी अच्छी गुजारन। वो भी जदों परदेश च अपने वतन ते देश आवे ते जिंदगी अच्छी गुजारे। आ जिहड़ा दुनिया ते तूं ते मैं आया ना, ये असी अपने देश च नहीं हाँ, वतन साडा कोई होर है, इत्थे असी परदेश च अमलां दी कमाई करन वास्ते आए हाँ। ते जे कोई अमरीका जावे ते दो चार पांच दस साल रह के उत्थे सो के आ जाए ते बाप लोगों नूं कहंदे कि वक्त भी जाया करके आया ते कमाई भी जाया करके आ गए, कोई इन्हों भेजन दा फायदा नहीं होया। इस तरह इंसान तो भी इतने जमीन पर परदेश आया है इतने अमलों की कमाई कर, जे इतने सो के टुर गए फिर जब अपने वतन च जावेगा तो उत्थे तेनों ओलामे सुनने पवनगे कि गया सी पर करके कुछ नहीं आया, सो के ते आराम करके आ गए। याद रखियो असी दुनिया से सौन नहीं आए, असी दुनिया से इतने पेट पूजा करने वास्ते नहीं आए, इतने कितने अमलों की कमाई करने वास्ते आए स। कुरान मजीद के अंदर बार बार अल्लाह ने इसे ही मजमून बयान किया, पढ़ा कुरान भाई। अज तो सा सोचने फैसलाबाद वाले कि आसी साहब अज कि पेंडे पा लिया, जो तुम तो चंगी भली तकरीर करते हो, मगर मैं जो शेखपुरे तो नौजवान आए ने, जो माना वाले तो बड़े बरादरान आए ने और दीगर जितने अहबाब जो मैं रोजाना सुनने वाले किसी न किसी मौके पर, इन्होंने सारे भी नाल तुहाडे पैगाम देना है, तो उन्हां कोलों उलामा भी नहीं लैना क्योंकि वो माशाल्लाह अगले दिन मैं शेखपुर आया तो बड़ी खूबसूरत माफल तीन रमजान शरीफ नूं परसों हुई कि आबा सैयद हज़ारा पाक की बारगाह चरमगन नियात पेश की गई, सारे नौजवान उत्थे भी मौजूद सन। हुण फैसलाबाद वाले इन्नी उची सुभान अल्लाह फरमाओ, नाल शेखपुर वाले दसो कि फैसलाबाद वाले भला किवें हज़ूर दा ज़िक्र ते सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे कान च एक नौजवान कह रहा है कि मैंने तीन महीने बाद तुहाडी ज़ियारत हुई है तो मैं उदास हो गया, तो शायद मेरा कह लिया महीने डेढ़ दो बाद मैं आया फैसलाबाद, जिन्नी सुभान अल्लाह जोड़ के रखी ना सारी मैंने दे दो मैं नाल लै जावा। नहीं तुहाडे कोलों सही नहीं बोलिया गया, स्टेज वाले हो तुसीं बोल के दसो भाई किवें सुभान अल्लाह कहनी है, नहीं नहीं तुसीं उच्चे बैठे हो तुसीं उच्ची सुभान अल्लाह आखो ना भाई, होर उच्चा बोलो सारे सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना उलमा आमीन फरमान, या अल्लाह जेड़ा उच्च जो सुभान अल्लाह बोले हाथ चुक के बोले ऐसे रमजान शरीफ च अपनी अम्मी नाल उमरा करके आवे, हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी ते अबू नाल हज करके आवे, हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवें ते ख्वाब च कमली वाला ही आ जावे, तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जागदे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। वेखो हाथ किन्ने नहीं चुकया, नाल दा बेली स्टेज वाले तुसी भी भाई नाल दा बेली फड़ के चुके ते जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू हौले हौले मदीने लैके जाना इंशाल्लाह, तो सबर तो सही होले जिन्हें जिन्हें मेरे नाल चलना है, हुण रात दिन रोज़ा दिन होंदा रात नूं माशाल्लाह तुसी लंगर खा के आयो ते अगले लंगर का वेला हो भी गया है। वेखो ना किड्डी रमजान शरीफ दीआं बरकतां ने, एक खाओ नाल ही दूसरे का टाइम होना शुरू हो जाता है, तो सियाने कहंदे ने जिहदा खाइए ओदा गाइए, जेड़ा पलिया ही नबी पाक दे लंगर ते ओ बोले सुभान अल्लाह। भाई बे मुर्शद दे नाल मैं कदे बोलिया नहीं ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आला रब्बिकुमा
परवरदिगार ने फरमाया एक दिन सभी आने वाला है, हर चीज फना हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया ना कोई शहर रहेगा, ना कोई बस्ती रहेगी, ना कोई खम रहेगा, ना कोई मस्ती रहेगी, ना कोई बुलंदी रहेगी, ना कोई बस्ती रहेगी, ना चिड़िया का चहचहाना रहेगा, ना फुला का लहलाना रहेगा, ना कोई ताज रहेगा, ना कोई तख्त रहेगा, ना कोई शाही रहेगी। अर्ज की दिया ना बाकी की रहेगा। फरमाया भाई अब जो हो रबी कदल जलाली बल इकराम, फरमाया कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, रहेगी तेरे मालक दी बादशाही राजे, कुछ नहीं रहेगा, एक तेरे मालक दी शहनशाही रह जाएगी। ओदी जात बाकी रहेगी, ओदा जाह ते ओदी जलाल जलालत बाकी रह जाएगी। अर्ज की या अल्लाह तू सुनना है, मैं भी सुनना है, तू वेखना है, मैं भी वेखना। या अल्लाह तू भी रऊफुर रहीम है, तेरा महबूब भी रऊफुर रहीम है, तेरिया सिफतां बंदिया च आ गई ते तेरी सिफत तो बाकी रहना है, ते मेरी सिफत मैं मर जाना है, ते जे कदे मेरा दिल करे तेरी सिफत मेरे च आ जाए मैं भी बाकी रवां, मैं भी ना मरा ते एदा भी कुलिया रखो ना। अल्लाह फरमाया एदा भी कुलिया रखे है, हुन ओ केड़ा कुलिया है? फिर पढ़ा कुरान भाई, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बाकी रहन दा कुलिया भी अल्लाह ने कुरान च रखिया। अल्लाह ने रिजा फरमाया मन अमिल सालिहम मिन ज़िकर अल्फा वहुव मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ने रिजा फरमाया बंदिया मैं बाकी रह जाना सारे फना हो जाना है। अल्लाह फरमांदा जे बाकी रहना चाहना है आ जा यारी मेरे नाल ला ले, मरण तेनू भी नहीं देवा। एक कुलिया अल्लाह फरमांदे जे बाकी रहने। फिर पीरे बाहू दी रूह तड़प के आखेगी नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो। फिर जड़े यारी ओहदे नाल लै लैंदे ओहदी कबरां भी जोंदियां। रात एक बजे ना जाओ दाता साहब जाओ, एक हजार साल गुजर गया दाता साहब ने दुनिया तो गया, ते जाके कबर ते वेखो अज भी दीवे बल ते कुरान पाक पढ़े जा रहे। इन्नी रौनक किसे बादशाह दे दरबार च नहीं आउंदी जिन्नी दाता दे मजार ते आउंदी है। फिर नाम फकीर तिन्हा दा बाहू कबर जिन्हा दी जीवे हो। ओ जड़े यारी ओहदे नाल ला लैंदे ने ओह कदों मरन देंदा? फिर ओह नहीं मरन देंदा, ओह नहीं मरन देंदा। जदों इंसान मौत तू पहले ही मर जाए, नहीं समझे मूतु कबल अंत मूतु, बुजुर्ग फरमांदे ने मरन तू पहले ही मर जा। अजे भी नहीं समझे अंदरों ही मर जा, जे अजे भी नहीं समझे ते बाबा फरीद की दुबान च कवां फरमांदे ने मैं अपनी नो मार के ते दुमी हथी कुट, फिर भरे खजाने रब दे फरीदा दुमी हथी लुट। वो जड़ी मैं है ना उन्होंने कदे मार देवे ना, वो जड़ी मैं है तेरे अंदर ओ मर जाए ना, ते आ फरमाते ने जेड़ा पहले ही मरिया होवे उन्होंने मौत ने की मारना। आई फना ते बका दिया कुलिया, जेड़ा ओदी जात च फना हो जाए ना रब नू फना नहीं होन देंदा। होर आसान कर देवा, पानी दा कतरा किसे दरिया च सट्टो ना, किसे नहरे दे विच सट्टो, ते फिर पानी दा कतरा दोबारा बाहर निकालो, निकलदा है नहीं ना? क्यों? क्योंकि वो कतरा भी दरिया बन गए, वो कतरा भी नहर बन गया, वो छोटा जा कतरा दरिया ते फना हो गया, ते दरिया ने आख्या तू मेरे ते फना होया है, ते मैं बड़ा सखी हाँ मैं तेनों फना हो नहीं देना, तू मेरे ते फना हो गया पर आ जा मैं तेनों नाल ही लै चला ते दरिया भी बना देवा। वो कतरा दरिया ते फना हो दरिया बन जाता है। बंदा जो रब की जात च फना हो जाए ना तो रब फिर उस बंदे नूं फना होन नहीं देता, अल्लाह फिर उन्होंने बका की मंजिल अता कर दे। बका की मंजिल आसान
करके अर्ज कर देवा। हजरत ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्ला साडे नक्शबंदियां दे पेशवा आप दा मुरीद आया ते कहन लगा हजूर ए तुहाडा नाम बाकी बिल्ला है ते बाकी किनू कहंदे ने ते फानी किनू कहंदे ने। आपने फरमाया बेटा जेड़ा मेरा जनाजा पढ़ान आवे ओदे कोल पुछ लवी। ते नाल फरमाया मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे कोई आवेगा पढ़ान वाला। जदों हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार दा जनाजा तैयार होया लोग इंतजार कर रहे कोई आवे ते जनाजा पढ़ावे। एक सवारी ते सवार आया चेहरे ते नकाब है आके मुसल्ले ते खलो के जनाजा पढ़ा के टुर पिया। उस मुरीद ने जाके कदम पकड़ के अर्ज की लजपाला इजादी वारी दसिया जे फानी किनू आखदे ने बाकी किनू आखदे ने। उन्हें चेहरे तो नकाब हटाया मुरीद वे किरा रह गया जिदा जनाजा पढ़िया वह भी बाकी बिल्ला किन्ने जनाजा पढ़ाया वह भी बाकी बिल्ला। फरमाया जे समझ नहीं आई ते सुन ले फानी ओ भी आई बाकी आप आ जांदा फना हो जाए फिर वह फना होन नहीं देंदा उन्होंने रब बका दी मंजिल अता कर देंदा है। इन्हों ही फना फिल्ला बका बिल्ला किया जाता है कि ना ग्रामी कदर हजरात जेड़ा ओदी जात च फना हो जाए। तो मेरी मिल्लत दे नौजवानों जेड़ा मरण तो पहले ही मर जाए ना मिजार उन्होंने बन देने तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जे जे मैं तसव्वुफ वाले पैणे पै गए अज मेरा दिल कर दे सारी बहस जड़ी मैं की ना यद मैं तर्जमा तुम आसान करके हजरत पीरे बाहू के कलाम चो ना सुना देव। सुन्नी मां का पुत्र बोले सुभान अल्लाह जेड़ा रोजा इस नीयत रखता है कि बख्शिश हो जाए वह बोले सुभान अल्लाह। ओए रोजा इस ऐसी इबादत यकीन करो ये वखावेली रखा जाता ही नहीं। नमाज वखावेली पढ़ी जा सकती है क्यों जो पढ़ेगा लोग वेखणगे। हज वखावेली किया जा सकता जो करेगा लोग वेखणगे। सखावत वखावेली की जा सकती है क्यों और जिन्हों देवेगा उन्होंने तो पता चल ही जाना है ना। पर रोजा एक ऐसी इबादत है यार रब न पता होंगे तो या बंदे पता होंगे है ना। ये वखावेली रखा जाता ही नहीं वखावा है ही नहीं। ये बड़ी पाकीज़ा जी इबादत है अल्लाह सारे नूं रखण दी तौफीक अता करे। पीरे बा होने दा रंग किवें पेश कीता आप इरशाद फरमांदे ने साबित सिदक ते कदम अगे रे लभीवे उनों दे विच जिक्र अल्लाह दा हर दम पिया पढ़ीवे वो जाहिर बातिन अल्लाह हो 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 आमीन। नाम फकीर तिन्हा दा बाहू कबर जिना दी जीवे हू। मेरी मिल्लत दे नौजवानों एक दिन जाना ही जाना है फना होना ही होना है कुल्लो मन अली हफान। पर भैया बका ने दसिया कि बाकी भी रिया जा सकता है। ओ बोलो 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 सुभान अल्लाह नहीं ते आमाफा तो फारिग हो गए ना ते जाते हैं एक चक्कर कब्रस्तान लगा के जाया जाए ते उठे जाके देखी तेरे वर्गे लखा मामा दे लाल लेटे ने जेडे कपड़े नू फट नहीं सन पहन दे
अज उन्हां दी कबर ते फातिहा पढ़न वाला ही कोई नहीं, अज उन्हां दी कबर दा किसे नूं नाम शाम दा भी नहीं पता कि वह भी कदे दुनिया ते आए सन, उन्हां दा नाम भी किसे नूं नहीं पता। बड़े बड़े तेरे वर्गे मामा दे लाल ते बड़े बड़े जने ते बड़े बड़े कद आवर कबरां च जाके लिटे हुए। मलकल मौत जो किसी घर में आता है तो रूह लेके जाता है ना, लोग रोंदे ने ते जांदा जांदा ये इस तरह करके ना ते घर की चौखट पकड़ के ते मलकल मौत मुड़ के पता की कहंदा है, मैं कोई आखिरी बारी आया, कहंदा है मैं कोई आखिरी बारी आया जड़ा रोन लग पे हो, मैं आता जाता रहना कदे उस वेड़े ते कदे उस वेड़े। मेरी मिल्लत दे नौजवानों आ जड़े कपड़े नु बटने ना पहन दें, आ जड़े समझते ने मैं कोई मर जाना है, आ जड़े समझते कि मैं जुल्म कर लिया ओदे उत्ते ते उन्हें मेरा बिगाड़ की लिया है, उन्हें मेरा की कर लिया, मैं झूठ बोल रहा, मैं चोरी कर ली, मैं माजल शराब पी ली, मेरा की हो गया, केड़ा बिगड़ गया, वह भी तो करता जे मैं कर लिया तो फिर की हो गया। ना ना तू समझना कि तू किसी दा लगा देता है, तू उन्होंने दा नहीं लगाया, तू अपने आप को ला लिया, तू अपने आप को दा लगा लिया। तू समझना है कि अगर मैं मिलावट करके ते मैं सौदा बेच दिता है ते उन्हें पता नहीं चलिया मैं उन्होंने दा लगा दिता, नहीं नहीं तू अपने आप को दा लगा लिया, तू अपनी आखिरत तबाह कर लगी, दा ते तू अपने आप को लाए। जा कब्रस्तान चिजदे बड़े लेटे हुए ने, बड़े लेटे मौला अली एक दिन कब्रस्तान गए ते आपने फरमाया अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, कब्र चो आवाज आई वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मौला अली ने फरमाया कब्र वाले हो अपना हाल तुसा मैनू सुनाना है कि तुहाडे पिछलियां दा हाल मैं तुहानू सुनावां। ते कब्र चो आवाज आई मौला अली जिस दिन दे कब्र च आया किसे हाल पुछिया ही नहीं, सोने अज तुसा पुछ लिया तो इजाजत होवे तो असी ना दसीए पहले साडा की हाल है। मौला अली ने फरमाया हाँ भाई कबरां वाले दसो की हाल है, हुण सुनावां मैं तुहानू। अज महफले चाहे हो तो मलिक साहब दे तवसुत नाल मेरा दिल करदा मैं तुहानू कुछ ना कुछ दे जावां, खाली ना जायो, अल्लाह करे किसी की जवानी अल्लाह रसूल दे नाम हो जावे, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मौला अली मुर्तजा शेरे खुदा फरमांदे ने कब्रां विच ही आवाज आई, मौला अली जदों दफन करके चले गए ने थोड़ी देर दे बाद फरिश्तियां ने आके बड़ा डाटा इंती आन ले आओ कब्र च आवाज आई, मौला अली जदू तीन चार दिन गुजर गए साडिया अखियां बह के साडे रुखसार ते आ गई, थोड़े दिन गुजरे बाल जिसम तू चढ़ना शुरू हो गए, कब्र च आवाज आई मौला अली जिसम दे नाल गोश्त जुदा होना शुरू हो गया, गोश्त तो मास उतरना शुरू हो गया, दुनिया च एक जोड़ी उखड़ जाता सी सारी रात हाए करके गुजारते रहे, कब्र च सारे जोड़ उखड़ गए ने हाल पूछने वाला ही कोई नहीं, कह लगे मौला अली वो जड़ी गुनाह दिया कमाइया करके कोठिया बना के आए हो उन्हें कोठिया जो लादा पिया वसदियों नहीं असी कब्रा जो ना कोठिया का हिस्सा पे देने आओ। मौला अली फरमान लगे कमरा वाले हो आओ मैं तुम्हारे पिछले का हाल सुना देवा, फरमाया जदू तुहानू दफन करके घर गए उन्हें जाके जायदादा पड़ लईयां तुहाडियां औलादां ने उन्हें कोठिया के अंदर तुहाडे दुश्मनों नू वसा दिता, तुहाडियां बीवियां ने दूसरे निकाह कर ले, फरमाया तुहाडे मोहल्ले च किसे नू याद ही नहीं कदी कुछी तुसी भी कदे दुनिया ते आए सौ अज तुहाडा नाम लैना वाला भी कोई नहीं, ओ कोठियां जिदे विच जिहड़े रिश्तेदारां नू आउण नहीं सो देंदे उन्हां रिश्तेदारां तुहाडियां औलादां नाल रिश्तेदारियां कर लईयां, अज उन्हां रिश्तेदारां दियां धीआं उन्हां घरां च वसदियां ने उन्हां दियां औलादां वसदियां ने, तुहानू ते याद करन वाला ही कोई नहीं, याद करन वाला ही कोई नहीं। मियां मुहम्मद बख्श ने से दुनिया की हकीकत इंज करके वादे फरमाई, आ फरमांदे ने ए दुनिया एक मुसाफिर खाना एक कोई आवे कोई जावे किसे साकी जोर मुहम्मद इत्थे पक्के तेरे ला
उस वेले पता चलता जो डॉक्टर कहता इन घर ले जो जाके खिदमत करो आखरी वेला आ गया है। उस वेले पता चलता मैं ते अपना ही नुकसान कर बैठा वा आखरी वेला आ जाता है अखा ताड़े लग जाने। उस वेले कदे मां वल वेखदा है कदे बाप वल वेखदा है कदे औलाद वल वेखदा है कदे हकीमा वल वेखदा मैनू कोई बचा ले अज मैनू कोई बचा ले तद रूह परवाज कर जाती है। निया सा फरमा देने इको बैली ते सब जग बैली अन बैली भी बैली उस वेले दा कोई नहीं बैली क्या तू जासी जान अकेले थोड़ी देर सारे रिश्तेदार रो लेंदे नहीं जाओ लगे जड़े वेले गुस्सल दा वेला आ जांदा है तेरी की की घड़ी भी उतार के रख लेंदे नहीं तेरा पोस कीता सूट कट के उतार आ जांदा है। उस वेले गुस्सल देन वास्ते अपने भी नहीं आंदे उस वेले डरदे हाथ भी नहीं लगांदे उस वेले जांदी वार डरोना बन जाना है तेरे जिस्म नु हाथ लगावन लगिया भी डरदे नहीं तेरियां कमाइयां खाण वाले गुस्सल नहीं देंदे नौ जवान बेगाने लोगों नु गुस्सल ही बुलाया जांदा है तेनों फटे ते लटा के गुस्सल भी बेगाने दे लोग दे के चले जांदे ने तेरे कीमती लिबास उतार के कफन पहना के तेनों कब्रिस्तान वल लेके जांदे ने कंधा देन वास्ते भी लोग ही आ जांदे ने अपने कदमां ते टुर के मंजिल वल भी नहीं जा सकदा तेरा जनाजा पड़िया जांदा है जदू दफन करन दा वेला आ जांदा है उस वेले नाले रोंदे नाले मिट्टी डाल देने किन्नो बहुता प्यार होवे मिट्टी भी बोटी पांदा है उस वेले नाले मुक्का भर भर मिट्टी पांदे ने कबर बना के कहंदे ने लै दे लिया हुन तू जाने ते तेरा रब जाने अगे तू ते तेरे अमाल नाल जाने नहीं निया सा फरमा देने ए लप्पी बुकी मिट्टी पा के ते कर दे ढेर उचे पड़ दुनो दे घरानो आ ते मुड़ नहीं पौंदे फेरा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीर नारे हैदरी नारे गौसिया नौजवानों नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जे रब नूं इस दुनिया नाल थोड़ा जिहा भी प्यार होंदा ना ते रब अपने दुश्मनां नूं इस दुनिया च इक पानी दा कतरा भी ना पीण दिंदा पर रब नूं इस दुनिया नाल प्यार ही कोई नहीं। अल्लाह ने इस दुनिया सारी अपने दुश्मनां नूं दे दित्ती ते रब ने दस्या कि मैनूं इस दुनिया नाल कोई प्यार नहीं कोई प्यार नहीं। इन्हां दे वालिद गिरामी चले गए मलक आरिफ साहब मेरे पिछे खड़े ने इन्हां दे वालदा चंद दिन कबल विसाल कर गई दुनिया तो परदा कर गई अल्लाह उन्हां दी मगफरत फरमाए बख्शिश करे किसे दा बाप किसे दी माँ किसे दा कोई अजीज टुर गया। मियां साहब फरमाते ने ये दुनिया एक मुसाफिर खाना। हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह एक दिन तख्त ते बैठे एक फटे पुराने कपड़े वाला बाबा दरबार आया तो इस तरह वेख के कहन लगा बादशाह आ तेरा मुसाफिर खाना क्यों मैंने चंगा नहीं लगा। तड़प के कहन लगे बाबा तेनों मुसाफिर खाना लगता है मेरे बाप दादे ने खरबा रुपया लगा के ते ए महल बनाए
ते तेनों ये मुसाफिर खाना प्या लगता है। बाबा कहन लगा नाराज ना हो बादशाह, मैनू दस तेरे तो पहले इस तख्त कौन बैठता सी। फरमाया मेरा बाप। आखिर तेरे बाप तो पहले कौन? आखिर मेरा दादा। आखिर दादे तो पहले कौन? आखिर मेरा परदादा। ते बाबा बोल के कहन लगा परदादा कित्थे? आखिर टुर गए। दादा कित्थे? टुर गए। अबू कित्थे? टुर गए। ते बाबा हास के कहन लगा टुर तू भी जाना है, ते जिथे टिकदा ही कोई नहीं, कोई आउंदा कोई जांदा, तुहानूं मुसाफिर खाना ना आखां ते होर की आखां। इब्राहिम बिन आदम दे सीने ते कलेजे च गल लगी, अपने कपड़े फाड़ के ना बादशाही ते शहनशाही दा लिबास उतारिया, ते फकीरां वाली गुदड़ी पा के ना ते महल चो बाहर निकले, ते मुड़ के महल वल वेख के फरमांदे ने मैं चलिया, जिन्हें रखना रख लवे, जिन्हें रखना रख लवे। आओ जाके बाबे ने एक दरिया के किनारे कखां की कुली पाई, तो अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी। वलायत के मुकाम से पहुंचे, इब्राहिम बिन आदम बन गए। एक दिन आप दा वजीर जड़ा सी वह बादशाह बन गया ना, हुण उन्हें महल से कब्जा कर लिया। वह अपने लश्कर ना दरिया के किनारे तो गुजरिया, तो वेख्या उन्हें आख्या मैं भी बादशाह, पर यह तो मेरा भी बादशाह है। इब्राहिम बिन आदम दरिया के किनारे बैठ के ना सूई के नाल अपनी गुदड़ी पे सींदे ने, उस सवारी तो उतरिया, तो करीब आके कह लगा कितने बादशाहियां, कितने शहनशाहियां, कितने ताज तख्त महल, एडी सोहनी जिंदगी, कितने गुदड़ी पिया कखां दी कुली दे बार बह के दरिया के किनारे पिया सीना है। इब्राहिम बिन आदम आ किहड़ा रागी? आपने उन्हें जवाब नहीं दिता, बस सूई पकड़ी अपनी तो दरिया च सट के फरमाते ने, ओ मछली ओ आ मेरी सूई तो वापस करे आ जाए। दरिया दियाँ मछलियाँ अपने होंठों के अंदर सोने दियाँ सूइयां लैके बाहर आ गई, मुस्कुरा के फरमान लगे सोना तो पिछे ही बड़ा छड आया, वह मेरी लोहे की सूई दे दो। मछलियाँ की सरदार लोहे की सूई लैके बाहर आई, तो मछली पकड़ के फरमान लगे बादशाह सच्ची दस, वो बादशाही चंगी सी कि आ बादशाही चंगी आ? कहन लगा जो सच्ची पूछे तो बादशाही तो आ ही चंगी आ, ही चंगी आ। मेरा दिल करता पहले मैं कुरान पढ़ा तो फिर पीरे बाहू का कलाम पढ़ा। सुन्नी मां का पुत्र बोले सुभान अल्लाह। मैं आज तकरीर मैं कदे सोच के वैसे बैठा नहीं हाँ कि मैं की सुनाना है, आज भी नहीं सोच के बैठा, बस अचानक मेरे जेहन च ख्याल आया कि बच्चे नौजवान ज्यादा बैठे ने, कोई पैगाम दे जावा किसी की आखरत का सामान बन जाए, कोई दिल से एक गल ही असर कर जाए, तो इन्नी सुभान अल्लाह दे दो, मेरा सियालकोट वापसी तक गुजारा करा दो। देखो हाथ किन्ने नहीं चुके, नाल दा बेली फड़ के चुके, जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान च जदों इस दुनिया की वजाहत की ना, इहदी हकीकत इहदी औकात दसी। अल्लाह ने रिजा फरमाया हुआ मैं हादी हयात दुनिया इल्ला लहव वलाब व इन दार अल لهي الحيوان لو كانوا يعلمون پیرے بہو نے دست جمعے جے فرمایا آ فرماندے نے ادیلانت اس دنیا تے یہ پوری دنیا खर्च न की लैन गजब दिया मारा रो प्यावा खोलो ए पुत्र गुहावे ए पठ दुनिया मथा दुनिया की बाहो ओ लैसन बाग बहारा हो अल्लाह 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 जिन्ना तर्क दुनिया की बाहू
भाई जिन्ना तर्क दुनिया दी कीती बाहू ओयो लेसन बाग बहारा हूं। इदा ये मतलब नहीं कि मैं कहांगा कि तुसी आज घर जाओ ते सारा घर बार छोड़ के ते किसे दरिया दे किनारे जाके ते तुसी भी डेरा ला लो। नहीं नहीं, बुजुर्ग फरमांदे ने कि बंदिया दुनिया च इंज रहे जिवें पानी च कश्ती रहिंदी है, जिवें पानी ते कश्ती रहिंदी है। कश्ती दा पानी जरूरत है ना, मगर पानी कश्ती दे उपर उपर तैरदी है। ते जे ओ ही पानी कश्ती दे विच आ जाए ते कश्ती डुब जांदी है ना। बस तू भी दुनिया दे उपर उपर ही रवी। जे दुनिया तेरे उते विच आ गई ना, इन्हें तो डुबना ही है पर तेनू भी डुब देवे। दुनिया नू विच ना आवण देवे, अपने अंदर इन्हू मकसद ना जिंदगी दा बना ली कि मैं बस दुनिया ही कमाण वास्ते आया। ना ना, कुछ नाल नाल आखिरत दा ज़हीरा भी कर लवे। मैं अक्सर मिसाल देना कि ए मलिक साहब, पुराने दौर विच माई वडेरी चरखा कतदी सी ना, ते चरखा टुट जाना या खराब हो जाना ते माई ने गवांडन नू कहना कि सहेलिए को दो चार दिन वास्ते मैनू अपना चरखा उधारा देवी, मैं टाइम थोड़ा रह गया ते मैं बाजार च पूनिया कत के बेचनिया ने, ते दिन थोड़े रह गए ने, ठेकेदार ने अपना माल मंगना वापस। तुसी खड़िया ते कम कर दो ना, फैसलाबाद वाले कपड़े बना दो, तुसा वेख्या होगा कि माल देना हो ते बंदे नू बड़ी काली होंदी है जी, फलां दिन हुण ईद आ गई है ते फिर माल भी देवांगे ते फिर कमाई भी आवेगी, पैसे भी आवणगे, पर माल जे लेट हो गया ते मुमकिन मालिक रुस ना जावे। ओ माई ने चरखा उधारा लेना ते पूनियां कत लेनियां, ते पूनियां कत के ते ओ बेच के पैसे कमा लेने, ते गवांडन नू चरखा वापस कर देना ते नाल शुक्रिया अदा करना, तो पांच सात दिन मैनू चरखा उधार दिता। चरखा मालिका वापस ले लिया, पर उस चरखे ने जड़िया पूनिया कतियां कमाई अपनी हो गई। आ जड़ा तेरे जिसम का चरखा है ना, ये रब ने तेन दिता अमलों दिया पूनिया कतन वास्ते। इस चरखे ने जिन्हिया पूनिया कत लेनिया, कोई नमाज, कोई रोजा, कोई हज, कोई जकात, कोई जो भी कर लेने ना, वो अमल तेरे काम आ जाने ने, वो तेरी कमाई होनी है। चरखा मालिका वापस ले लेना है, चरखा मालिका दे लेना जिवें दिता है। मेरा जिसम मेरी मर्जी नहीं चलनी, चरखा मालक दा है, उन्हें वापस लेना, उधार दिता तेन अमल दूनिया कत्तन वास्ते। मत समझे कि होरे मैं दुनिया से हमेशा रहने वास्ते आया, इतने तेन उधारा चरखा दिता है बस चंद दिन वास्ते कि थोड़े जे अमल कमा लाए।